अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द व्लॉग। मेरा नाम सज्जाद इम्तियाज़ और आज मैं एक दफ़ा फिर आ गया हूँ न्यूयॉर्क सिटी में। तो आज हम पियर 35 देखने के लिए जा रहे हैं। मैंने कहा आज जाकर फिर साइट सीइंग करते हैं और फिर शाम को अफ्तारी यहीं पे कर लेंगे। तो अभी बस सबवे लेना नीचे जाके, बस अभी सड़क क्रॉस करके हमने उधर सामने जाना है पानी की तरफ। तो अभी सबवे से निकले थे। अगेन यहाँ पर कैनेडा की रिवायत को कायम रखते हुए सिग्नल, अभी यहाँ पर हमारा ग्रीन नहीं हुआ चलने का, लेकिन हम चल रहे हैं। सो जैसा जैसा पानी के पास जा रहे हैं, सबका जो था ना यहाँ पे सर्दी ज्यादा हो गई है, पानी की तरफ से हवा आ रही है, तो लागे पता गया इसलिए मैं जैकेट बंद ही कर लूँ पूरी। सो ये मैनहट्टन ब्रिज है और इसके बिल्कुल पीछे वो सामने ब्रुकलिन ब्रिज है, जहाँ पर हमने ब्लॉक 13 में जो सा जाके तो ऊपर से गए थे, वॉक की थी। तो अभी बस सड़क क्रॉस कर रहे हैं, सर्दी बहुत ज़्यादा है और पानी के पास आ गए हम। सो वो सामने पियर 35 पे भी उधर जाना है और ये रहा मैनहट्टन और इसके बिल्कुल पीछे है ब्रुकलिन ब्रिज। बस अभी इसका थोड़ा सा और अच्छा व्यू लेने के लिए तो वहाँ पे सामने पियर 35 पे तो जा रहे हैं, तो इतना दूर नहीं है इधर से। मुझे तो लगता सेम ही व्यू आना है उधर से भी, बस थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर आ जाएगा, थोड़ा पानी के अंदर जाके चले जाएंगे। जिम बनाया हुआ है, मैंने कहा बाय तो हुए हैं तो यहाँ पे क्यों ना थोड़ा सा वर्कआउट कर लिया जाए। तो ये बॉडी वेट के ऊपर आपका सारा जो सा वर्कआउट होता है। अच्छा ये वाले जो मशीन था राइट, जेल में लगाई हुई थी, जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था ना प्रिजन में, तो उस टाइम पे वहाँ पे उन्होंने जो कैदियाँ उनके लिए ये मशीनें रखी हुई थी, तो कैदियों वाली मशीनें इधर इन्होंने आम पब्लिक के लिए रखी हुई हैं। सो ये पब्लिक वर्कआउट जो मशीनें रखी हुई हैं, जो इन्होंने जेलों में भी लगाई हुई हैं, तो इसका इतना मज़ा नहीं है। मैंने अभी ट्राई करके देखा, जिम के वेट्स का अपना ही मज़ा है। ये आ गया है पियर 35, बेसिकली लिटिल आइलैंड की तरह बना हुआ है, जो आई थिंक वो भी मेरा 19वां 20वां व्लॉग ही था लिटिल आइलैंड का, मेरे ख्याल से ये 21वां व्लॉग था। तो बस यही व्यूज़ हैं इधर के, बस ये है यहाँ पे। और झूले भी लगे हुए हैं, तो ये सारे लोग इधर अभी क्रूज की लाइन में लगे हुए हैं। यहाँ से ईस्टर की शिप है, ये क्रूज जो है ना ईस्टर का, हमने तो जाना नहीं, अभी यहाँ से निकलते हैं। बस यहाँ पे यही व्यू है इधर का, अरे झूले लेते हैं पीछे। इधर मेरे यहाँ से बारी का वेट करना पड़ना है, 3 ही झूले बनाए हुए हैं। तो अभी देख रहे हैं कि क्रूज का क्या चक्कर है। अच्छा तो मल्टीपल क्रूजेज है, ग्रेफिटी बनाई हुई है यहाँ पे, सारी दीवारों की मत मारी हुई है। फाइनली उधर पीछे जाने का फायदा तो हुआ, हमें झूला मिल ही गया, तो अभी बैठने लगे हैं। ये बंदे का जो ना जो भाई बारी पूरी होगी मैंने ही बैठना है झूल। सो बस यहाँ का यही सीनिक व्यू है थोड़ा सा, तो अभी सेंट्रल पार्क की तरफ जा रहे हैं। आई थिंक शाम हो जानी जाते हुए, तो थोड़ा सा वहां पे जाकर जो व्यू देख सकेंगे। बारी हमारी वहाँ पे पूरी हो गई थी, बारी वाला सारा भी चल रहा है, तो सेंट्रल पार्क जाके मिलते हैं फिर अभी। तो ये आ गया है सेंट्रल पार्क, वो सामने है। ये फिली जैसा टूर ही होना इधर, यहाँ पे घोड़े का भी, तो फिली में घोड़े की बग्घी का लिया था टूर जो है। सो बस यही है सेंट्रल पार्क। यहाँ पे तो लॉरेंस गार्डन वाली जो सी है पूरी फीलिंग आ रही है, मैं तो वापस लाहौर में आ गया हूँ, न्यूयॉर्क टू लाहौर। ये कायदे आज़म लाइब्रेरी के पास निकल रहे हैं हम। सो यहाँ से अच्छा व्यू आ रहा था, पीछे सिटी का बैकग्राउंड है,
और आगे यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, मैं भी थोड़ा देख ही लूँ इधर। ओके सो हमने जो सा अभी ये चिंची कराई है साइकिल वाली, शाहरुख शाहरुख मुंह पे मटका रख के एकदम शाहरुख। यस पापा जी चलो चलो चलो। ये हमारी चिंची चल गई लाहौर के अंदर, मोटरसाइकिल वाले होते हैं यहाँ पर जो है साइकिल के ऊपर ऐसे लगी हुई है पंजाबी माफिया पंजाबी। आहिस्ता हौली हौली ये एक्सीडेंट ना हो जाए कहीं पे मारा जाओ सारा। ये चिंची वाले हमेशा चिंची वाले काम ही करते हैं। बहुत तेज़ वाह, रेस लग गई आगे रेस लग गई। इधर नीचे दे देनी बच्चियां नीचे दे देनी। भाग अर्जुन भाग। सो अभी हम होम लोन की लोकेशन पे जा रहे हैं जहाँ पर होम लोन 2 जो है शूट हुई थी, तो वहां पे जाके देखते हैं कैसा मजा आता है। अभी तो चिंची के नजारे ले रहे हैं यहाँ पे। ये मार दी बच गए। ये मेरा पहिया हो जाता है। ये चेरी ब्लॉसम आ गए, ये तो मजे है। फिर अभी हमें यहीं पे जो है सीढ़ियों से नीचे गिरा दे रहा भाई। सो ये आ गया सेंट्रल पार्क का फेमस पॉइंट या लोकेशन जहाँ पर ज्यादातर मूवीज या शूट हुई है। यहाँ पर होम लोन हो गया, जॉन विक होगी, अवेंजर्स, एनचैंटेड, इनके काफ़ी ज़्यादा लिस्ट है मूवीज की जहाँ यहाँ पर फिल्म हुई है, इनके काफ़ी ज़्यादा शूटिंग हुई है। तो अभी नीचे जाके देख रहे हैं। इधर तो राशि लगा हुआ है अपने देसियों का। और यहाँ पर हुई थी होम लोन 2 की शूटिंग, यहाँ पर आया था केविन जो है मूवी के अंदर। वेलकम टू न्यूयॉर्क। इधर कई और भी शूटिंग चल रही है, ये सारे शूटिंग देखने के लिए खड़े हुए हैं। मेरे आगे से गुजरते हो। ओ चल रही है शूटिंग। तो बस यहाँ पर ये थोड़ी सी आर्ट बनी हुई है, इनकी पेंटिंग्स हैं। दूसरी साइड पे भी आई थिंक सेम ही आर्ट बनाई हुई इन्होंने। अच्छा डिफरेंट है यहाँ पे पेंटिंग्स। तो अब यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। बस यही है सेंट्रल पार्क, सेंट्रल पार्क तो काफी बड़ा है, यहाँ पर जू वगैरह भी है, लेकिन आई थिंक एक दिन में फिरने जितना नहीं है। यहाँ पर काम के एक दिन में आप सारा फिर लें, यहाँ से बंदा सुबह सुबह को आए तो फिर ले। तो आई थिंक आज यहीं तक ही रहेगा ब्लॉग जो सा। ये बाबा जी बैठे हैं। भाईजान थक गए हो? Yeah, waiting for you. Yeah, let's go. Oh, kachwa. Over there. अभी हम दूसरी साइड पे जा रहे हैं सेंट्रल पार्क की। और ये यहाँ पे इन्होंने मिस्र से ला के मुझे लगता है खड़ा कर दिया, इजिप्ट से, जिनको मिस्र का नहीं पता। तो मैंने कहा पास से देख ही आते हैं इसे। ये आ गया मैं इसके पास। ये है क्लियोपेट्रा नीडल। तो इस स्ट्रक्चर को ओबेलिस्क कहा जाता है, और किसी ने अगर यानी कि इजिप्शियन जो सी हैं वो देखी हूँ डॉक्यूमेंट्रीज, तो उसके अंदर दिखाया जाता है कि इसके अंदर दरार नहीं होनी चाहिए थी जिस टाइम पे इन्हें खड़ा किया गया था, क्योंकि इनका मकसद था कि जो उनसे बादशाहों को खुदाओं के साथ जोड़ना, ऊपर आसमान से सूरज के साथ डायरेक्ट उनका कनेक्शन बनता था। और यहाँ पर इसके बारे में थोड़ी सी इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि
ये क्लियोपेट्रा की नीडल है, ठीक है। 1600 BC में जो सा इसको सबसे पहले जो सा इजिप्ट में खड़ा किया गया था, और उसके बाद इसे मूव किया गया था जब अलेक्जेंड्रिया में 12 BC में। सो बस अभी मैं इधर से निकल रहा हूँ, ओब्लिस्क देख लिया, आज मिस्र का भी मज़ा आ गया इधर अगेन। पत्ते निकले हैं तो अच्छा जी, ये आ गया सेंट्रल पार्क में रिजर्वर। बेसिकली इधर पानी इन्होंने जो सा पीछे होना है इसके, इस वक्त हो गए हैं 6:20, सही टाइम चल रहा। अच्छा जी, अभी हम जा रहे थे पानी का रिजर्वर देखने के लिए। That's it? अब नाना इधर क्या करना है? बस यहाँ पर यही है सेंट्रल पार्क के अंदर, या रिजर्वर है या फिर वो आगे जो उनसे जहाँ पे मूवी शूटिंग हुई है उनकी ज्यादा फेमस लोकेशन। तो अभी यहाँ से निकलते हैं, इफ्तारी का भी टाइम होने वाला है, तो जाके फिर कुछ खाते पीते हैं इधर से। सो अभी इधर आया टाको महल, तो अभी इधर खा के देखते हैं, मेरे ख्याल से बाहर ही बैठेंगे हम, इधर बैठ जाते हैं, यहाँ से अभी लगा देगी हीट यहाँ पर, साथ ये थोड़ा शहर का व्यू आ जाएगा, साथ अपनी पेट पूजा भी हो जाएगी। इधर बेडरूम है तो अपनी अपनी टेबल मान लेते हैं। तो अभी यहाँ से नान टाको ऑर्डर किया है, और साथ जो है ये है मैंगो लस्सी, तो इसे बाद में पियेंगे, तो पहले नान टाको ट्राई करते हैं। तो इन्होंने ये मेरे चिकंदर डाली हुई है, साथ प्याज है, साथ लेटिस है, और ये है नीचे चिकन टिक्का मसाला। तो इसे भी मैं खा के देखता हूँ, पहले मैं ऐसे ही इसका टेस्ट लेने के लिए खा लूँ, पहले ठीक है। मसाला इसका जो है ना ज़्यादा मीडियम में रखी हूँ स्पाइसेस वगैरह, तो अब मैं नान के साथ खाने लगूँ इसको पूरा टाको बना के। बेसिकली नान के अंदर इन्हें सारा डाल दिया, तो टाको का फ्लेवर जो था ना बीच में मसाले वाला भी और साथ स्वीट एंड सावरी है, क्योंकि चिकंदर की वजह से मेरे हाथ से इन्होंने थोड़ा सा ना उसका स्वीट फ्लेवर डाला बीच में, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। इसे ख़त्म करके तो फिर आपसे मिलते हैं। सो इधर से खा लिया है, फूड तो मुझे जो सी बस ठीक ही लगी, इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं था जैसा कि मैंने पहले बताया। सो बस अभी जो सा वापस पेन स्टेशन की तरफ जा रहे हैं, तो उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, अगर आया तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दोबारा मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, अंटिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।